कहो का इस मन मन की हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत के बीच में उपस्थित हैं ताम धाम धूम धड़ाके से मनाएंगे बिहार दिवस। जी हां, तो आइए हम एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारा बिहार गौरव है, तो आइए सुनते हैं एक गीत। जस्ट बाद हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद। जस्ट बाद हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद। धरती अंबर के तमतारे जिसे डर कर छट जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा रोशनियह आलम हो जाए, आओ हम सब मिलकर एक झिलमिल दीप जलाते हैं। कर देता हूँ, आप लोग इतिहास भी पढ़े ही होंगे, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए, अपडेट कर लीजिए नॉलेज कि पहले ब्रिटिश शासन था देश में, और ब्रिटिश शासन में बंगाल प्रेसिडेंसी में भी बिहार राज्य सम्मिलित था। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ, तत्पश्चात हम लोग बिहारवासी बने। कुछ वर्षों के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब तक हमारी भौगोलिक स्थितियां ज्यों की त्यों थी, लेकिन 1956 में जब भाषाई आधार पर थोड़ा सा इसका सुधार किया गया तो पुरुलिया का कुछ पार्ट हमारा बंगाल में चला गया था, तब से हम लोग अभी हैं, बाद में झारखंड ही बना, लेकिन बिहार हमारा 22 मार्च 1912 में ही मूल रूप से गठित हुआ है। एक मेरी कुसुमिया मालिक मेरी खुशबू से महक जाए, दुनिया मालिक मुझको वो से। सभी जिला वासियों को, बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे से पूर्व अपर समाहर्ता महोदय ने बिहार दिवस का अस्तित्व और इसके महत्व के बारे में सभी लोगों को अवगत कराया। 22 मार्च 1912 में जब बिहार भूभर्ग का स्थापना हुआ एक राज्य के रूप में, इससे पूर्व में भी बिहार की काफ़ी बिहार जहां आज अवस्थित है उसको किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है और एक सभ्यता संस्कृति और एक गौरवशाली इतिहास के रूप में इसने कई युगांतर में कई व्यक्तित्व का मिशनों का
और बहुत सारी प्रयोगशालाओं के रूप में लोगों का मार्गदर्शन किया है और हम सभी लोगों को गौरवान्वित फील करना चाहिए कि हम लोग बिहारी हैं। आप लोग जन्म से बिहारी हैं, मैं जन्म से बिहारी नहीं हूँ लेकिन कर्म से बिहारी हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर प्रदान हुआ जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन के उपरांत बिहार काडर हुआ, उस स्थिति से आज तक और भविष्य में भी बिहार का नाम अब हमारे साथ जुड़ गया है और बिहार संवर्ग के पदाधिकारी होने के नाते अब ये रिश्ता मृत्यु के उपरांत ही शायद खत्म हो पाएगा। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए इस दर्शक दीर्घा में। जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे युवा वर्ग के लोग हैं, विशेषकर आज यहाँ पर एडीएम साहब ने शुरुआत में ही कहा कि आप लोगों को अब इस बिहार के गौरव को आगे लेके जाना है। अभी तक हम वर्तमान में जो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित जो छोटे बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है और जो एक अहम जिम्मेदारी है इस गौरव को और आगे लेके जाने का। और जो हमने शुरुआत ही की बिहार गौरव गीत से, उसकी पहली लाइन ही थी कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो इतना ज़्यादा हो कि सूरज की किरण भी उससे ईर्ष्या करे। तो हम सभी लोग उतना ज़्यादा काबिल अपने आप को बनाएं, एक जो ऊर्जा का संचार है वो एक सकारात्मक दिशा में दौड़े। इसलिए आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तक जो हमारे पूर्वज हमारे लिए करके गए, उस सभ्यता को, उस संस्कृति को, उन संस्कारों को हम लोगों को संजोग कर रखना है और वो विरासत जो हमें मिली है उस विरासत को आगे लेके जाना है। इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उन संस्कारों की अहमियत हम समझें और उनको अपने जीवन काल में और दैनिक कार्य हैं उनका अनुसरण करें। मात्र आज 22 मार्च को बिहार का गौरव फील करने का दिन नहीं है, परंतु साल भर हमारे कार्य ऐसे होना चाहिए, हमारे कृत ऐसे होना चाहिए कि हमारा जो योगदान है वो एक सकारात्मक योगदान हो बिहार को अथक आगे ले जाने के लिए। और तभी जब बिहार का विकास होगा तभी हमारा देश उन्नति की ओर और तेज़ी से चल पाएगा। जैसे कि बताया, इस बार निर्वाचन का तिथि भी निर्धारित हो गया है और 11 अप्रैल 2019 को हमारे यहाँ वोट डालने के लिए दिन है, मतदान तिथि निर्धारित है। तो सभी लोगों से अनुरोध भी रहेगा जो यहाँ उपस्थित हैं और जो अनुपस्थित भी हैं, उन लोगों से जब आप जाएंगे अपने टोलों में, मोहल्लों में, अपने आवास में, नेबर्स में, रिश्तेदारों में, सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो मतदान तिथि के दिन ज़रूर आए मतदान केंद्रों पर। हम लोग सुनिश्चित करेंगे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, किसी सभी तरीके की व्यवस्थाएं हमारे स्तर पर की गई हैं, उसका हम लोग सुपरविजन और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं ताकि ससमय जो भी कमियाँ अभी तक बची भी हैं वो उनको पूरा कर लिया जाए। तो लोगों को प्रेरित कीजिए कि जब वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तभी एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। और जब हम लोग अपना एक एक वोट भी महत्वपूर्ण है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, तो एक बूंद बूंद से ही सागर भरता है, उसी प्रकार से हर एक वोट का महत्व है। आप सब लोग अपने शक्ति को पहचानिए। हर बार कहा जाता है कि हम देंगे नहीं देंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप अपना मतदान ज़रूर करें, तभी एक अच्छी डेमोक्रेसी का निर्माण होगा। मैं ये ऊर्जा है, आप में एक युवा शक्ति है, उस शक्ति को एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरह इस्तेमाल करें। जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारे माता पिता ने, हमारे शिक्षिकाओं ने, हमारे शिक्षकगण ने, हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं इस मंच से कि इस काबिल बनाया कि आज मैं आप सबके सामने खड़े होकर कुछ बात अपने स्तर से भी कह सकती हूँ। तो मेरी यही आशा रहेगी कि जो लोग भी जो दायित्वों के पदों पर हैं, जैसे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो भी अपनी भूमिकाओं को समझें और एक अच्छे वर्ग का निर्माण करें। अभी उनको सीखने की उम्र है, जैसा हम लोग उनको सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेंगे। तो हम लोगों को एक समय की पहल करना चाहिए और एक प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए कि अच्छी समाज का निर्माण हो सके। हम लोगों को एकता का पाठ पढ़ाने की अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बातें भी अब बताने आवश्यक हो गई हैं। आप अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छी बातें बताएं, एक वृहद सोच डेवलप करें, एक ऐसा समावेशी समाज डेवलप हो जिसमें सबके लिए जगह हो, सब लोग मिलजुल कर रहें,
प्यार से प्रेम भाईचारे का पाठ जरूर पढ़ाएं, क्योंकि किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, वो आना चाहिए और अपेक्षित भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत का तरीका, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, हमारे किसी भी शब्दों से या कार्य से या किसी भी जो भी एक्शन से, उससे ये नहीं लगना चाहिए कि वो किसी दुर्भावना से भरा है। हम से कुछ भूल भी हो जाती है तो एक बड़ा हृदय रख के उस भूल को माफ़ करने की प्रवृत्ति भी रखें। आज का एक और है, सबके हाथ में मोबाइल है, अभी भी लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल बनकर उभरा है। अब किसी भी टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आस्पेक्ट हैं। हम लोगों को ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस विवेक का इस्तेमाल करते हुए, उस बुद्धि विवेक से हम लोगों को ये समझ है, और वही हमें पशुओं से और अन्य अमानव थिंग से अलग करता है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं और परख सकते हैं। तो उस ज्ञान का, उस विवेक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और किसी भी टेक्नोलॉजी का, विशेषकर अभी मोबाइल सबके हाथ में, तो मैं मोबाइल के लिए बात करूंगी, और सोशल मीडिया व्हाट्सएप बहुत पॉपुलर है अभी, फेसबुक ट्विटर, तो हम उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसका इस्तेमाल भी हम लोग एक पॉजिटिव ऊर्जा फैलाने में करें। हम लोग निरंतर देखते भी हैं, कई प्रकार के मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं लोग, तो उसमें कुछ कंटेंट होता है या कोई मैसेज का कंटेंट है जो अशोभनीय है या उससे दुर्भावना फैलने की संकेत हो सकते हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से हम सब लोगों का ये दायित्व भी है कि हम अपने उस कंटेंट को समझें, परखें, और अगर वो उस प्रकार का है कि उससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा तो अवश्य ज़रूर उसको फॉरवर्ड करें, परंतु अगर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी की भावनाओं को आहत कर सकती हैं, वो भावनाएं सांप्रदायिक भी हो सकती हैं, जातीय ही हो सकती हैं, रंग से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बांटने की प्रवृत्ति रखे, उसको हमें सोचना चाहिए। एक मिनट फॉरवर्ड करने से पहले संयम पूर्वक उसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और उसका हार्डली 10 सेकंड में अगर सोचेंगे क्या इससे किसी को फ़ायदा होगा, अगर आपका अंतरात्मा की आवाज़ से आता है नहीं, तो कृपया करके उस तरीके के नेगेटिव मैसेजेस को फॉरवर्ड करने में रोकें। संप्रदाय वर्क सबका महत्वपूर्ण स्थान है, हम सभी लोगों को अपना प्रगति करना चाहिए और दूसरों को भी उतना स्पेस देना चाहिए कि वो भी अपने बच्चे हैं, तो बच्चों का है वो पढ़ेंगे, उनको स्कूल जाना है तो स्कूल के साथ पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए खेलकूद भी ज़रूरी है। हमारे यूथ वर्ग हैं तो उनको कॉलेज भी जाना है, उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में भी इम्पॉर्टेंट करना है। अभी तो और भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, पहले था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे, पढ़ाई के अतिरिक्त भी बहुत सारे अब स्किल्स आ गए हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, टैलेंट शोज़ हैं, जहाँ पर आप सभी लोग अपनी प्रतिभाओं को अच्छी तरीके से निखार सकते हैं। ज़रूरत है कि हम सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपना स्वावलंबी बने, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण भी पॉसिबल है और कम समय में पॉसिबल है। सभी संसाधनों का अभाव सबके पास है, लेकिन जो भी उपलब्ध संसाधन है, उन सभी संसाधनों का जो भी उचित बेस्ट पॉसिबल यूज़ है, उन सभी इस्तेमाल करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी ऊर्जा एक पॉजिटिव जगह लगाना है, ताकि उसका रिजल्ट भी अच्छा आए। मैं चाहूँगी कि कई बार हम शिकायत करते हैं सशक्तिकरण की, स्वावलंबी होने की इत्यादि, लेकिन यहाँ दोनों वर्ग के लोग हैं, पुरुष और